गंगू चांद थी और चांदी रही। आलिया भट्ट को मिला नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। आलिया कपूर खानदान में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड लेने वाली बनी ओनली फीमेल। आलिया ने करीना और करिश्मा को दी मात। आलिया भट्ट ने 69th नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है। ये आलिया का फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड है, ऐसे में ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। लेकिन इसके अलावा भी आलिया के लिए ये नेशनल अवार्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है और जिसकी वजह क्या है इस स्टोरी में आगे रिवील होगी। रिसेंटली आलिया भट्ट को संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल कैटेगरी में मिला था। ये अवार्ड आलिया के लिए हर मायने में बहुत ही ज्यादा खास है, स्पेशली एज अ बहू ऑफ कपूर खानदान। जी हाँ, क्योंकि आलिया कपूर फैमिली में पहली ऐसी फीमेल है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड जीता है। यानी आलिया ने करीना कपूर खान से लेकर करिश्मा और अपनी मदर इन लॉ नीतू कपूर और बबीता कपूर तक सभी को इस मामले में मात दे दी है। करीना कपूर खान जो इन दिनों अपनी अपकमिंग थ्रिलर द बकिंगम मर्डर्स के साथ BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में अपनी छाप छोड़ी है और अब तक के अपने करियर में कई दमदार और अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस दे चुकी है। उन्हें भी आज तक नेशनल अवार्ड जैसा प्रेस्टीजियस ऑनर नहीं हासिल हुई है। वहीं करिश्मा ने दिल तो पागल है के लिए नेशनल अवार्ड जरूर जीता था, लेकिन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। बात करें रणबीर की मॉम और आलिया की मदर इन लॉ नीतू कपूर की, तो वो भी अपने समय की अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन उन्हें भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। बेबो और लोलो की मॉम बबीता कपूर भी नेशनल अवार्ड जैसा सम्मान अपने करियर के दौरान कभी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन कपूर खानदान की बहू आलिया ने ये बड़ी अचीवमेंट हासिल कर न सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर अपना पोटेंशियल साबित किया है, बल्कि कपूर खानदान का भी खूब नाम रोशन किया है। और उनकी इस जीत पर रणबीर कपूर ही नहीं बल्कि नीतू कपूर और रिधिमा कपूर तक हर कोई खुशी जाहिर कर चुका है ऑन सोशल मीडिया।